यह देखिए इतनी सारी ईटा पूरा पानी ने बर्बाद कर दिया है। जो भाई लोग ईटा बनाए थे उनका मेहनत बेकार हो गया है। पता नहीं इनको इस ईटा बनाए हुए का मुआवजा भी मिला कि नहीं। यह देखिए उधर जो देख रहे हैं उधर पुल है, शंख नदी का पुल। यह पुल छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ती है। यह शंख नदी का पुल यह है दोस्तों, शंख नदी का पुल। वह देखिए उधर से ट्रक जा रही है, हाईवा वगैरह दिख रहे होंगे आप सबों को। वो देखिए यह देखिए पुनः पूरा पानी में बर्बाद हो चुकी है यह सब ईटा। देखेंगे तो ये देखिए पानी ने पूरा धो डाला ये इतना सारा ईटा। देखिए इतना सारा बना के रखे हैं इधर, वहाँ से देखिए पूरा लाइन किस कितना सुंदर दिख रहा है यह लाइन। लेकिन यह ईटा पूरा पानी से बर्बाद हो गई है। देखिए कितनी लंबी लाइन है। यह देखिए यह मिट्टी है जो ईंट बनती है, यह लाल मिट्टी। यह देखिए यह लाल मिट्टी है, इसको इसको इस प्रकार का रूप दिया जाता है। यह देखिए वहाँ तक बना के रखे हैं, लेकिन पानी ने सबको धो डाला है। पता नहीं यह काम में अब आएगा कि नहीं। यह देख रही थी, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, गांज के रखे हैं ईटा या फड़। फड़ नहीं, फड़ तो नीचे वाला को बोलते हैं, पता नहीं इसको ताह बना के रखे हैं गांज के। तो दोस्तों हम लोग सतीश बाबू का ईटा भट्ठा आए हुए हैं। मझा टोली में स्थित है यह ईटा भट्ठा। यह देखिए जब भी आप लोग आएंगे तो ईटा भारी मात्रा में मिल जाएगा आपको, वापस नहीं जाना होगा। यह ईटा भट्ठा शंख नदी बालू नदी के किनारे में स्थित है, यह मझा टोली में है। आप लोग आइए और अपने ज़रूरत के अनुसार ईटा ले जाइए। एक नंबर दो नंबर ईटा काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर मिलती है। यह देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ ईटा भट्ठा का दृश्य। यह देखिए उधर काफ़ी सारी मात्रा में ईटा रखी हुई है। मैं आके आप सबों को दिखाऊंगा, मतलब मैं दिखाऊंगा आप सबों को पास से जाके। यह देखिए चिमनी, काफ़ी ऊंचा चिमनी है। यह देखिए बहुत मजबूत ईटा है यहाँ पे पाई जाती है। और यह पुलिया जो इधर दिख रही सामने में, वह पुलिया है। यह पुलिया झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ रही है। यह शंख नदी का पुल है, बाला नदी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग आज मझा टोली ये चिमनी भट्ठा ईटा भट्ठा में आए हुए हैं। यह देखिए चिमनी दिख रहा है उधर, ईटा लेने के लिए आए थे। इधर ईटा लोड हो रही है इधर ट्रैक्टर में, देखिए। और मैं उधर आगे जाके दिखाता हूँ कि बहुत सारे ईटा यहाँ पे निकाल कर रखे हुए हैं खदान वाले, और मैं दिखाऊंगा आप सबों को। तो वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को सामने से। यहाँ पे एक नंबर और दो नंबर ईटा काफ़ी मात्रा में मिलती है। आप लोग जब भी आएंगे तो ईटा मिल जाएगा आपको, इसलिए जब भी ईटा का ज़रूरत पड़ता है आप लोग मझा टोली आ जाइए और यहाँ से ईटा लेके जाइए। जितना चाहे ईटा मिल जाएगी आपको। मैं दिखाता हूँ सामने से ईटा आप सबों को, बहुत अच्छा अच्छा ईटा यहाँ पर मौजूद ईटा मिलती है। तो दोस्तों यह देखिए भाटा का चिमनी इतना ऊंचा है, भाटा जल ही रहा है, देखिए धुआं निकल रहा है। और इसके नीचे में यह जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है इधर ईटा लगी हुई है, इसके अंदर में ईटा पक रही है। तो दोस्तों यह देखिए यह पका हुआ ईटा मैं सामने से दिखाने की कोशिश करता हूं आप सबों को। यह देखिए गोलू गोलू नाम का यहाँ पर ईटा मिलेगा आप सबों को। यह देखिए ईटा बहुत ही मजबूत ईटा यहाँ पे बनाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से पकाया हुआ है। देखिए एकदम महंगा भी ईटा नहीं है यहाँ का, काफ़ी नॉर्मली रेट में मिल जाता है ईटा आप लोगों को। देखिए चिमनी इतना बहुत ऊंचा है चिमनी,
इधर इधर ताप रहा है, इधर गर्मी लग रही है, मतलब कि यहाँ पे इसके नीचे में जो कोयला वगैरह होते हैं ना वह जल रही है। देखिए इधर काफ़ी मात्रा में ईटा है, जब भी आएंगे आप लोगों को ईटा मिलेगा ही, यहाँ से वापस नहीं जाना पड़ेगा। कि ईटा पकाने के लिए यहाँ पे यह कोयला का उपयोग किया जाता है। यह देखिए इतना इतना सारा कोयला, भरपूर मात्रा में कोयला है यहाँ पे ईटा ईटा जलाने के लिए चिमनी में डालते हैं। उधर आगे जाएंगे तो और आगे भी ईटा ही ईटा दिखाई पड़ेगा आप सबको। उधर उधर गंजा हुआ है, दिख रहा होगा आप सबों को। तो दोस्तों ये देखिए जो ये गड्ढा दिख रहा है, ये नक्शा है, ईटा कच्चा ईटा को इसी में डाला जाता है, इसी में सरिया आके डालते हैं और कोयला डालते हैं और इसी में पकते हैं। यह देखिए, यह देखिए उधर ये क्या बोलते नक्शा बना हुआ है, ये दरवाज़ा जिसे दिख रहा है वो उसके अंदर में ईटा रखा हुआ है। यह देखिए, वो देखिए दिख रहा है आप सबों को। ये देखिए इधर इतना बड़ा जगह का ये जो गड्ढा दिख रहा है, इसमें भी ईटा भरा हुआ था, तो इसमें का ईटा पक चुका था, उसको निकाल चुके हैं और मैं सामने दिखाता हूँ आप सबको, जाके देखिए वहाँ पे गड़ा हुआ है। ये चिमनी भट्टा के नीचे गड्ढा में जाने के लिए सीढ़ी, इसी सीढ़ी से लोग आते हैं जाते हैं, चढ़ते उतरते हैं। ये देखिए इसी में से चढ़ते हैं। ये देखिए भाटा के अंदर में किस तरह से जलाने के लिए ईटा को गांजते हैं, लगाते हैं। यह देखिए कितना अच्छा पका है सब ईटा, सारे के सारे ईटा इतना अच्छा पका है कि पूरा लाल हो गया है। देखिए बहुत ही मजबूत मजबूत ईटा यहाँ पे मिलती है। यह देखिए इतना जोर से पका है ईटा के, पूरा मुड़ गया है। यह है कोयला का पावर। तो दोस्तों हम लोग जिसके लिए ईटा लेके गए ना अभी, उसके लिए बालू लेने आए हैं, लेकिन देखो पानी किस तरह से लबालब भर चुकी है। यह देखिए सब तरफ एक जॉनडियर गाड़ी यहाँ पे भर रही है और एक महिंद्रा गाड़ी अभी है, ये हम लोग की गाड़ी। यह देखिए ये अभी हम लोग भरने के लिए आए हैं, वो जॉनडियर वाला भी मेरा ही कंपनी का गाड़ी है, मतलब मेरा ही कंपनी का है, मेरे वर्कर लोग ही काम कर रहे हैं। और ये देखिए पानी इतना लबालब भर चुका है, अभी बालू निकालने के लिए बड़ा मुश्किल हो रही है देखिए, लेकिन क्या करें काम कर रहे हैं तो हम लोग आ गए हैं ज़बरदस्ती बालू भरने के लिए। पता नहीं गाड़ी फंसा भी तो पूरा मज़ा आएगा, कहने का मतलब गाड़ी अभी फंसा है तो रात हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जल्दी फल्दी जैसे तैसे भरते हैं, फिर भगते हैं हम लोग भी। सब कोई चले गए हैं, हम लोग बस लास्ट बचे हुए हैं। तो दोस्तों यह ईटा भट्टा वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबको जय हिंद वंदे मातरम।